हेलो एवरीवन, हम फिर से स्टार्ट कर रहे हैं द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। अब तक के वीडियोस में आपने सेल के बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में, डिफरेंट शेप्स ऑफ द सेल के बारे में, ह्यूमन में पाई जाने वाली डिफरेंट टाइप्स ऑफ द सेल के बारे में, यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर सेल के बारे में, डिफ्यूज़न के बारे में, सेल के बेसिक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, जिसमें कि सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म इंक्लूड था। डिफ्यूज़न के बाद हमने देखी थी उसी से रिलेटेड, जब वाटर मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं, है ना, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू, तो वो प्रोसेस कहलाती है ऑस्मोसिस। इस वीडियो में हम ऑस्मोसिस को ही कंटिन्यू करेंगे। यदि आपने हमारे लास्ट वीडियोस नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल ब्रजेश बागड़ी पर जाकर आप हमारे लास्ट वीडियोस देख सकते हैं, और वीडियो के अपडेट्स के लिए आप बेल आइकॉन प्रेस कर दें ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपडेट हो तो वो आपको तुरंत पता लग जाए। यदि आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब ज़रूर करें। और यहाँ हम स्टार्ट कर रहे हैं ऑस्मोसिस से ही। हम यहाँ पर देख रहे हैं यूनिसेलुलर के बारे में। अब उसमें हमने जनरली क्या देखा था, ऑस्मोसिस में डिफरेंट सॉल्यूशन के बारे में बात की थी कि अलग अलग टाइप का सॉल्यूशन है, मतलब कि अगर किसी भी सेल को एक हाइपोटैनिक सॉल्यूशन में, हाइपरटैनिक सॉल्यूशन में या आइसोटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं तो हम क्या इफेक्ट करता है। बट हम यहाँ सिंपली देख रहे हैं कि यूनिसेलुलर जो फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो भी डिफ्यूज़न की हेल्प से ही, उनमें जो मटेरियल का एक्सचेंज होता है वो, सॉरी, ऑस्मोसिस की हेल्प से ही वो होता है। तो हम यूनिसेलुलर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म एंड मोस्ट प्लांट सेल्स टेंड टू गेन वाटर थ्रू द ऑस्मोसिस। वाटर का एक्सचेंज जितना भी होता है सेल में, चाहे वो प्लांट सेल हो, चाहे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो, किसके थ्रू होगा, ऑस्मोसिस के थ्रू होगा। क्योंकि एक स्पेशल टाइप का डिफ्यूज़न जो होता है, मतलब जिसमें वाटर का मूवमेंट होता है, हमने उसे ऑस्मोसिस नाम दिया हुआ है। तो यदि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन या हम बोल लें सिंपली प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू यदि मूवमेंट ऑफ वाटर हो रहा है तो वो क्या कहला रहा है, ऑस्मोसिस। तो प्लांट की जो रूट्स होती हैं, रूट ऑफ द प्लांट होती हैं, वो भी किसके थ्रू वाटर का एक्सचेंज करती हैं, ऑस्मोसिस के थ्रू। गैसियस एक्सचेंज तो जो होगा वो डिफ्यूज़न के थ्रू होगा प्लांट में भी, बट जो वाटर का एक्सचेंज होगा वो किसके थ्रू होगा, या एब्जॉर्प्शन ऑफ जो वाटर होता है वो किसके थ्रू होता है, ऑस्मोसिस के थ्रू। तो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय द प्लांट रूट्स इन ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ ऑस्मोसिस। अब देखिए यहाँ क्या होता है, आपको पता है हम जो पानी देते हैं प्लांट्स में वो सॉइल में देते हैं, है ना, रूट्स जो होती हैं वो सॉइल के अंदर होती हैं। अब यदि हम देखें तो सॉइल में वाटर कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो जाता है, वाटर का लेवल ज़्यादा हो जाता है एज़ कम्पेयर टू रूट्स में, तो क्या हो गया, वाटर का मूवमेंट होगा हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द लोअर कॉन्सेंट्रेशन, और इसके थ्रू क्या हो जाएगा, जो पानी है वो सॉइल से किस तरफ बढ़ेगा, रूट की तरफ, है ना। एक तो ये हो गया इस तरह से। दूसरा क्या होता है, प्रेशर का इफ़ेक्ट होता है। जो प्लांट्स होते हैं वो ट्रांसपिरेशन के थ्रू, है ना, ट्रांसपिरेशन प्रोसेस होती है ना, लॉस ऑफ वाटर, उसके थ्रू वाटर का लॉस करते हैं। तो लॉस ऑफ वाटर होता है तो अपर पोर्शन में जो होता है प्लांट्स के, वो वाटर का कंटेंट कम हो जाता है। तो यहाँ पर अभी रूट्स तक पानी आ गया, पर प्लांट ऊपर तक पहुँचाना है प्लांट के, तो क्या होगा, उसमें ट्रांसपिरेशन हेल्प करता है। ट्रांसपिरेशन के थ्रू वाटर लॉस हुआ तो वाटर का लेवल जो है लीव्स में कम हो गया, रूट्स में ज़्यादा हुआ, तो फिर क्या होगा, ऑस्मोसिस के थ्रू लीव्स तक वाटर पहुँच जाता है। तो इस तरह से वाटर जो होता है वो प्लांट के लीव्स एंड रूट तक आ जाता है। अब देखें हम, दस द डिफ्यूज़न इज़ इम्पॉर्टेंट इन एक्सचेंज ऑफ गैसेज एंड वाटर इन द लाइफ ऑफ द सेल। ऑब्वियस बात है, डिफ्यूज़न जो है, मैंने आपको बोला स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूज़न ऑस्मोसिस कहलाता है। यदि हम सिंपली वाटर और गैसेस एक्सचेंज को डिफ्यूज़न टर्म दे सकते हैं, है ना, तो ये बहुत ही ज़रूरी है, चाहे वो एनिमल सेल हो चाहे प्लांट सेल। बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है हमारी, गैस और वाटर। फूड रिक्वायरमेंट तो बाद में आती है, बट हम बिना ऑक्सीजन के कुछ मिनट भी रह सकते हैं क्या, नहीं रह सकते। तो ये जो हमारी बॉडी में गैसियस एक्सचेंज हो रहा है वो किसके थ्रू हो रहा है, डिफ्यूज़न के थ्रू। हमारी बॉडी के हर सेल तक वाटर पहुंच रहा है वो किसके थ्रू पहुंच रहा है, ऑस्मोसिस या डिफ्यूज़न के थ्रू। तो इसीलिए लाइफ के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है डिफ्यूज़न। इन एडिशन टू दिस द सेल ऑल्सो ऑब्टेन न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम इट्स एनवायरमेंट। डिफरेंट मॉलिक्यूल मूव्स एंड आउट ऑफ द सेल थ्रू अ टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट
रिक्वायरिंग यूज़ ऑफ एनर्जी। अब देखिए इसके अलावा क्या होता है, जो ऑर्गेनिज्म है वो क्या करता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू, है ना, हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ही देख रहे थे, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू क्या करता है वो डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स को अपने अंदर या बाहर, मतलब जो वेस्ट मटेरियल होता है वो बॉडी के बाहर निकालता है और उसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जो न्यूट्रिशन होता है वो अंदर लेता है। तो द प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो हो गई वो क्या हो गई, इज़ अ फ्लेक्सिबल एंड इज़ मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल लाइक लिपिड एंड प्रोटीन। अब देखिए यहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के मेन कंपोनेंट्स आ गए जिससे मिलकर प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनी हुई है। इंपॉर्टेंट है ये, अंडरलाइन कर लीजिएगा, आप लोग याद रखिएगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन होती है, ऑब्वियस बात है मटेरियल का एग्जिट एंड जो इन हो रहा है या इन एंड आउट हो रहे हैं मटेरियल वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू हो रहे हैं, इसीलिए इसे फ्लेक्सिबल होना ज़रूरी है। उसके अलावा जो मेनली प्लाज्मा मेम्ब्रेन मिलके बनती है वो किससे बनती है, एक तो लिपिड से मिलके बन रही है, दूसरी प्रोटीन से, इसीलिए इसे लिपोप्रोटीन भी कहा जाता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन मेनली किससे मिलके बनती है, लिपिड एंड प्रोटीन से। अभी हम देखेंगे जब सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि लिपिड और प्रोटीन जो है वो कहाँ पर सिंथेसाइज होते हैं, है ना, तो वो ये ध्यान रखिएगा कि लिपिड और प्रोटीन का फंक्शन मेन क्या है, इन द हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। However, we can observe the structure of the plasma membrane only through an electron microscope. देखिए ये मैंने शुरू के वीडियोस में ही बताया था कि माइक्रोस्कोप जो है, जनरल माइक्रोस्कोप है, उससे सिर्फ आप यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर या एक सेल के स्ट्रक्चर को देख सकते हैं, बट यदि आपको सेल ऑर्गेनेल को देखना है या डीपली इंटरनल स्ट्रक्चर को देखना है तो इट इज़ ओनली पॉसिबल बाय द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। वो किसके थ्रू सिर्फ देखा जा सकता है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से। और सेल ऑर्गेनेल के बारे में पता ही तब लगा जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन हुआ, उसके पहले तक सिर्फ एक यूनिसेलुलर के बारे में पता था, है ना, बहुत ज़्यादा डीपली स्टडी सेल की नहीं हो पाई थी जब तक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन नहीं हुआ था। द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन ऑल्सो एनेबल्स टू सेल टू इंगल्फ इन द फूड एंड अदर मटेरियल फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। अब देखिए यहाँ पर मैं सिंपली आपको अमीबा, हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में बात कर रहे हैं, तो अमीबा में बताया गया है कि सेल की फ्लेक्सिबिलिटी के कारण ही, सेल मेम्ब्रेन की फ्लेक्सिबिलिटी के कारण ही क्या होता है, मटेरियल सेल के अंदर आसानी से आ जाता है, है ना, और ये जो प्रोसेस कहलाती है मटेरियल का या फूड पार्टिकल्स का अंदर आना, ये कहलाता है एंडोसाइटोसिस। ये टर्म याद रखिएगा, इसके पहले हमने प्लाज्मोलाइसिस पढ़ा था, प्लाज्मोलाइसिस क्या था, लॉस ऑफ वाटर था, और ये क्या है, एंडोसाइटोसिस। बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा, प्लाज्मोलाइसिस एंडोसाइटोसिस, है ना, ये डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स है, आप याद रखिएगा। यहाँ हम आ रहे हैं एंडोसाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस क्या है, मटेरियल का या फूड पार्टिकल्स का सेल के अंदर आना, और अमीबा जो है ये किसके थ्रू, एंडोसाइटोसिस के थ्रू फूड को इंगल्फ करता है या अपने अंदर लेता है। अब देखिए हम थोड़ा सा अमीबा के स्ट्रक्चर को देखें, ये जो आउटर मेम्ब्रेन दिख रही है ये क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। दरअसल होता है क्या है, अमीबा की सेल जो होती है उसका कोई भी फिक्स स्ट्रक्चर नहीं होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है, तो अपने फंक्शन के अकॉर्डिंग क्या होता है, ये अपने शेप को चेंज करता रहता है। बट एज जनरल हम अमीबा का स्ट्रक्चर इस तरह ड्रॉ करते हैं, यहाँ पर देखिए ये फूड लाइक स्ट्रक्चर, सूडोपोडिया, जिसे फॉल्स फूड भी बोला जाता है, सूडोपोडिया जो है वो अमीबा को मूवमेंट में हेल्प करते हैं। तो ये क्या हुआ, सूडोपोडिया का फॉर्मेशन हुआ और इस सूडोपोडिया ने क्या किया, इस फूड को चारों तरफ से कवर कर लिया, ठीक है। अब ये क्या हो गया, इसके अंदर आ गया, सूडोपोडिया के अंदर, यहाँ पर ये जो फूड पार्टिकल जब अंदर आए तो ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल और फूड वैक्यूल की मदद से ये क्या करेगा, फूड वैक्यूल की हेल्प से इसको बॉडी के अंदर ले लेगा, ये बॉडी में फूड वैक्यूल से इसकी मदद से फूड जो है वो अंदर आ जाएंगे, ठीक है। ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है जो कि एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं, दिस इज द न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म है ये, ठीक है। तो इस तरह से अमीबा में जो फूड इंगल्फिंग की प्रोसेस हो रही है वो किसके थ्रू हो रही है, एंडोसाइटोसिस की हेल्प से, जिसमें सूडोपोडिया का फॉर्मेशन होता है और अमीबा फूड को अपनी बॉडी में एंटर करवा लेता है ना, फूड जो है वो अमीबा की बॉडी में आ जाता है, और इस तरह यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी अपने जो न्यूट्रिशन की प्रोसेस है उसको इस तरह से करते हैं, कंप्लीट करते हैं, ठीक है।
मैं आज यहाँ टॉपिक ये वाला यहीं फिनिश करती हूँ। अगले उसमें हम सेल वॉल देखेंगे जो कि सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है, हम सेल वॉल के बारे में जानेंगे। तो उम्मीद करती हूँ आपको यह समझ में आया होगा, और यदि आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे मैसेज करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।